रियलमी 11 प्रो प्लस 5G तो अपने चाइना के अंदर ये नेक्स्ट मंथ लॉन्च होने वाला है एंड इंडिया के अंदर भी आप लोगों को 2 से 3 महीने बाद देखने को मिल सकता है फोन। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्या आप लोगों को इस फोन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे जो भी आपके डाउट वगैरह सारे क्लियर हो जाएंगे अगर आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो। हेलो गाइस, मेरा नाम है केशव। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी 11 प्रो प्लस 5G के बारे में। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चाहूँ सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर देना, उसको तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब करते हैं इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं फोन के डिस्प्ले एंड डिज़ाइन की। तो फोन में आपको मिलता है 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस का OLED पैनल 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट के साथ पंच होल के साथ। बाकी कमाल की चीज़ कर्व पैनल मिलेगा। बैक साइड आपको ग्लास की मिलेगी। आपने नोकिया का एक फ़ोन देखा था जिसके अंदर कह रहे थे ना 4-5 कैमरे, मतलब शायद पाँच कैमरे वाला फ़ोन है, उसके डिज़ाइन से थोड़ा सा इंस्पायर्ड मेरे को डिज़ाइन लग रहा है। तो वैसा कुछ आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। बट इस फोन में आपको बैक साइड में 3 कैमरे मिलेंगे, जहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा 200 मेगापिक्सल का मिलेगा OIS के साथ, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रावाइड मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का यूजलेस कैमरा मत पूछो। बाकी फोन से आप लोग मैक्स 4K रिकॉर्डिंग कर पाओगे, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलेगी। प्रोसेसर आपको डायमेंसिटी 7000 सीरीज का देखने को मिलेगा, शायद डायमेंसिटी 7200 आपको देखने को मिल सकता है। बैटरी आपको 5000 mAh की मिल जाएगी, टाइप सी का पोर्ट मिलेगा। फोन आपकी 100W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा एंड आपको 100W का ही फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करते हो, 3.5mm का जैक तो भूल जाओ, एंड्रॉइड 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, नया डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैन मिल जाएगा, स्टीरियो स्पीकर मिल जाएंगे, मेमोरी कार्ड के लिए कोई भी स्लॉट वगैरह नहीं मिलेगा। बात करते हैं वेरिएंट एंड प्राइस की, तो फोन के अंदर आपको 6GB की रैम 128GB की रोम देखने को मिल सकती है 27000 के प्राइस पे। तो ये पूरा पैकेज है फोन का, मेरे हिसाब से एक डिसेंट पैकेज है, इतना कुछ खास नहीं है, इतना कुछ बेकार नहीं है। बाकी हाँ, प्राइस पे सब कुछ मैटर करता है। अगर भाई यही प्राइस 25000 हो जाएगा तो बहुत क्रेजी डील हो जाएगी। अगर भाई इंट्रोडक्टरी प्राइस वगैरह कुछ कर देते 25000 करके तो मज़ा टाइप आ जाएगा, तब तो काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन हो जाएगा। बट 27 पे अच्छा फ़ोन है, मैं स्टिल ये बोलूँगा, नहीं बोलूँगा बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट हाँ अच्छा फ़ोन आप लोगों को मिल जाएगा। तो अभी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आपको ये फ़ोन कैसा लगा, आप लोगों का क्या सजेशन है, आपको क्या लगता है फोन किस प्राइस पे आएगा, सारी चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो, चाहो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने फ्रेंड के शेयर कर लो, उसके तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं कल की किसी बढ़िया OP OG वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।